जबलपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में राजद के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर इकबाल अहमद समी ने पत्रकारों को बताया कि देश में मोदी के खिलाफ लहर है, इसलिए देश की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ मतदान करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी ने भारतवासियों के सामने जो भी वादा किया है उसे निभा भी सके। उन्होंने कहा कि मोदी ने भारतवासियों के सामने जो भी वादा किया उसे नहीं निभा सके। उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर देश की जनता परेशान है। इनके शासन में गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई, जिसके कारण महिलाएं अब गैस के नहीं जलावन से खाना बनाती है। इतना ही नहीं, डीजल और पेट्रोल की कीमत काफी बढ़ी है, जिससे किसान और वाहन चालकों में मोदी के प्रति आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि मोदी जी भारत में नफरत की बात करते हैं और मोहब्बत की नहीं। देश में मोदी के खिलाफ लहर है, क्योंकि जो मोदी जी ने 10 साल में वादे किए, एक भी वादा नहीं पूरा किया। खासकर हम लोगों के बिहार में आए थे तो कहे मुजफ्फरपुर में कि एयरपोर्ट लाएंगे, मोतीपुर चीनी मिल चालू करेंगे। बिहार में 5-7 चीनी मिलों में गए, कहे कि हम आएंगे तो अगले बार इसी में चाय पियेंगे। इंडस्ट्री का पूरा बिहार में हर जगह इंडस्ट्री बैठा देंगे, कहीं कुछ नज़र नहीं आया। जो गैस की कीमत है, जो महंगाई का हाल है पूरे देश में, जनता उससे परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। मोदी जी ने केवल नफरत की बात की है, आज भी नफरत की बात ही कर रहे हैं। कहीं भी और आज गरीब दलित पिछड़ा सबसे ज़्यादा उपेक्षित है, और बिहार में तो मोदी के खिलाफ मोदी का बेसिक समाप्त हो गया है। क्योंकि हम लोग जब सरकार गई थी तो लव कुश नीतीश कुमार ने बनाया था, उसको बड़ी रैली की थी, उसमें कुशवाहा के बड़े नेता लोग शामिल हुए थे। आज पूरा का पूरा कुशवाहा समाज हमारे साथ है, हमने 8 जीत दिए। वह समाज जो बिहार में बीजेपी का बेस हुआ करता था, उसकी 3 सीटें थी। 1 सीट आनंद मोहन से उन्होंने लवली आनंद से कटवा दिया, रामा देवी का। 1 पिंटू से कटवा का कट गया, दिवेश ठाकुर से। वह समाज में भारी गुस्सा है और हमने वह समाज के 3 लोगों को टिकट दिया, और रितु जायसवाल को शिवहर से, और अभी जीत गया हमारा उम्मीदवार झंझारपुर से। और उसके बाद हमने आरा से 3 जगह हम लोगों ने किया। भूमिहार में इनका बेस वोट हुआ करता था, पूरे उत्तर बिहार में NDA ने भूमिहार को 1 भी सीट नहीं दी। भुइयारों में वो लगातार भुइयार बेमतलब का वोट देते रहे और लालू यादव के खिलाफ गाली बकते रहे। फिर उनको लगा कि हम माहौल बनाते हैं, कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती है। हम लोगों ने बिना मांगे भुइयारों के उत्तर बिहार 3 उम्मीदवारों को भुइयार के टिकट दिया, जिसमें उत्तर बिहार में 1 भी बीजेपी ने नहीं दिया। हमने 2-2 दिया, वैशाली से मुन्ना शुक्ला और अखिलेश सिंह के बेटा को हम लोगों ने महाराजगंज से टिकट दिया। और ये दोनों उम्मीदवारों को भुइयारों का 100% वोट मिल रहा है, उसके चलते हमारे बिहार के में भुइयारों का वोट 50% उसमें हो या कम बेस संख्या में हो, हम लोगों को मिल रहा है। ये हम लोगों को तो आज NDA के पास कोई बेस वोट नहीं बचा है। और पूरे के पूरा सहनी समाज इनसे उपेक्षित है। इन्होंने जिस तरह मुकेश सहनी को अपमानित किया, उसके MLA सबको खरीद लिया, उसको बाहर कर दिया, आज मुकेश सहनी हमारे लिए घूम रहे हो, सहनी समाज पूरा बिहार का है। तो BJP के पास कुछ बचा ही नहीं। अभी जी न्यूज के संपादक दिल्ली के शैलेंद्र जी हमारे मित्र हैं, बता रहे थे 93 सीट जो अभी चुनाव हुआ तीसरे इसमें, उसमें 83 सीट BJP जीती हुई है, मगर जो चुनाव का की हालत रही, बंगाल से ममता दीदी ने खरीद दिया, कर्नाटक में कांग्रेस ने खरीद दिया, महाराष्ट्र से शरद पवार ने खरीद दिया, बिहार से तेजस्वी यादव ने खरीद दिया, और उत्तर प्रदेश से अखिलेश सिंह ने खरीद दिया। वो अब 40 से नीचे चले गए आज की स्थिति में। उसके बाद जो सट्टा बाजार है, वो अब सट्टा बाजार जो BJP का ही समझिए संगठन है, क्योंकि उसमें वैश्य समाज के लोग चलाते हैं, थे मराठी समाज के लोग सट्टा, वो 350 दिखा रहा था, अब 260 दिखा रहा है, जो BJP का है। वो चुनाव के बाद उसका और घटेगा, और 200 से नीचे भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी। और उन लोगों ने जो वादा किया है
कि हम लोगों की सरकार आएगी तो हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे साल में 1 करोड़ लोगों को, और निश्चित रूप से सरकार आएगी तो पूरा होगा। जैसे कि बिहार में हम मकान गठबंधन के साथ थे तो हम लोगों ने नौकरियां दी। कितने सीट लाएंगे सर 40 में बिहार में, क्या आपका अनुमान? जो एक हवा बह रही है जी, तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन डबल अंक में नहीं आएगा, बाकी सीटें महागठबंधन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।